नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। महोबा में बुंदेली समाज द्वारा गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया है और बुंदेली समाज ने पीएम मोदी को खून से अनुरोध पत्र लिखकर गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को कम किए जाने की मांग की है। होली पर्व के ठीक पहले घरेलू और कमर्शियल गैस के दामों में बढ़ जाने के कारण ही लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और इसे कम किए जाने की लगातार मांग भी की जा रही है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो मुख्य रूप से जो बढ़े हुए गैस के दाम हैं उसको समर्पित था। कल सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें घरेलू गैस के दाम 50 रुपये बढ़ाए और कॉमर्शियल गैस के दाम 350 रुपये, और वो भी होली के त्यौहार के वक्त, जब आदमी त्यौहार में वैसे ही दबाव में है, महंगाई की मार के दबाव में है, और इसमें ख़ासतौर से लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी, तो उसको इसका संदेश गलत जा रहा है। हम मोदी जी और योगी जी के कार्यों के प्रशंसक हैं। चले रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में तहसील प्रांगण मऊरानीपुर में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में ही विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। केंद्र की भाजपा सरकार को कोसते हुए लगातार बढ़ रही महंगाई की निंदा की गई है। उन्होंने कहा है कि महंगाई के कारण जनता की कमर पूरी तरह से टूट गई है और फिर भी जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलने का केंद्र सरकार लगातार गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि करके कर रही है और केंद्र सरकार राशन वितरण का छलावा कर राशन से कई अधिक दो गुना दाम रसोई गैस में वसूल कर अपने अमीर व्यापारियों की जेब भर रही है। उन्होंने कहा है कि यदि शीघ्र ही रसोई गैस के दामों में कटौती नहीं की गई तो किसान सड़कों पर आंदोलन करेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जगदीश आर्य ने कहा है कि इस बेरोजगारी के दौर में सरकार ने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर गरीबों की कमर तोड़ दी है। झांसी के गरोठा तहसील क्षेत्र के ही ग्राम भसनेह मौजूद मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चल रहे भोज में मधुमक्खियों ने हमला किया है। दर्जनों छोटे छोटे बच्चे मधुमक्खियों के काटने से घायल हो गए हैं और गुलसराय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों का इलाज फिलहाल चल रहा है। सुरेश कुमार है। कहाँ के? भसनेह। क्या घटना हो गई? ये घटना ये हो गई कि मतलब हमारे जो भैया थे छोटे, उनकी कथा बज रही थी हनुमान जी के बारे में, तो कथा के माध्यम से जो कन्या भोज भी था वहाँ, सब बच्चे गए कन्या जाने के लिए, तो वहाँ मधुमक्खी हवन हुआ, जो मधुमक्खी उड़ी और सारे बच्चों को काट लिया। बहुत खराब स्थिति में बच्चों को काटा, जिसमें एक बच्चे को कम से कम डेढ़ दो दो से डंग लगे, तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। उन लोगों को हम उठा के और स्वास्थ्य केंद्र लाए, तब यहाँ कुछ स्थिति कंट्रोल हो पाई, ना तो बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी। बच्चे लथपथिया आ गए थे और बोल नहीं पा रहे थे, इतने डंग लगे थे कि बिल्कुल बेहोशी स्थिति में लाए हम सब लोग। मऊरानीपुर के ग्राम नवादा निवासी मनोज पाल के कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि विगत रात्रि परिवार में शुद्धता थी और तभी सभी लोग वहां पर गए हुए थे। सभी अज्ञात चोरों ने ही, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा मौके का फायदा उठाकर घर के ताले तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण और इसके साथ ही त्रयोदशी के लिए रखे 50,000 रुपये चुरा कर ले गए हैं। प्रार्थना पत्र में अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा बाल कृष्ण। कहाँ से आए हो? नवादा से। क्या हुआ है? चोरी हो गया है। चोरी किस समय की घटना है? कम से कम 30-35 सजाए की हमारी हो गया है दुकान की। अच्छा, कोई के ऊपर शक है? आपके ऊपर शक नहीं है साहब। हाँ, कितना सामान गया है? सामान तो पुलिस को प्रार्थना पर दिया है, है? प्रार्थना पर दिया है पुलिस को? क्या कहा है उन्होंने? साहब ने क्या कहा है? अच्छा, दे रहे हो, ठीक है।
चले रुक करते अगली खबर की ओर। पालिका के अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार के निर्देशन पर पालिका के गरोठा रोड पर मौजूद MRF सेंटर के पास बलराम पूंछवाले के द्वारा ही अस्थायी अतिक्रमण को पालिका के लिपिक सोनू यादव बख्शी, अतिक्रमण लिपिक योगेंद्र मिश्र और इसके साथ ही थाना अध्यक्ष गुरसराय की उपस्थिति में हटवाया गया है। झांसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का 65वां स्थापना दिवस बुलंदखंड कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है और इस मौके पर बुलंदखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक और अली मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे हैं। पार्टी का ध्वजारोहण बुलंदखंड और अध्यक्ष सैयद सादिक अली के द्वारा किया गया है। इस मौके पर बुलंदखंड प्रमुख महासचिव अली अहमद कुरैशी, बुलंदखंड महासचिव असलम खान, नवी बख्श बबलू आजाद, महानगर अध्यक्ष शरीफ खान और वसीम गाजी, इस पर अलावा ही आपको बता दें कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। और इस मौके पर बुलंदखंड अध्यक्ष हाजी सैयद सादिक अली ने कहा है कि 65 वर्षों में ही पार्टी भारत के 24 राज्यों तक पहुंच गई है और भारत के 24 राज्यों में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसी क्रम में ही बुलंदखंड के समस्त जिलों में भी पार्टी के जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्षों ने अपने अपने जिले के कार्यालयों में पार्टी का 65वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया और जहां पहले ध्वजारोहण किया और उसके बाद पार्टी के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। सादिक भाई, आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज जो है हमारी पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है 65वां जो है स्थापना दिवस हम लोग ने मनाया, बड़ी धूमधाम से मनाया। और हम आपको जानकारी दे दें कि आज हमको जो 24 स्टेटों के अंदर हमारा जो है प्रोग्राम भी मनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जो सन 1957 में जो हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, आज 65 साल के अंदर जो हमने 24 स्टेटों के अंदर अपना जो है झंडा फहराया और ये पार्टी जो है मजलूमों की पार्टी है, लोगों के दुख दर्द में काम आने वाली पार्टी है और हमारे बैरिस्टर असदुर ओवैसी साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हम लोग ने इस पर्व की तरह हमने इसको मनाया पूरे बोले। महोबा शहर के एक एटीएम से नकली नोट निकालने का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि एटीएम से एक ही नंबर के 500 रुपए के दो नकली नोट निकलने से पीड़ित के होश उड़ गए हैं। पीड़ित सब्जी व्यापारी ने पूरे मामले की शिकायत एटीएम से संबंधित बैंक में करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पूरा मामला महोबा शहर के ही उदल चौक में मौजूद एक्सिस बैंक के ही एटीएम का है और बताया जाता है कि शहर के ही कत्तीपुरा मोहल्ले में रहने वाला सब्जी व्यापारी फैजान शहर के ही उदल चौक में स्थित एक्सिस बैंक के ही एटीएम में पैसे निकालने आया था। वहीं पीड़ित व्यापारी ने ही एटीएम से संबंधित बैंक शाखा में पहुंचकर उक्त मामले की शिकायत की है और सब्जी व्यापारी फैजान बताता है कि शाखा प्रबंधक ने ही नकली नोटों को लेकर उसके बदले में असली नोट दिए हैं। एटीएम से नकली नोट निकलने का मामला महोबा में चर्चा का विषय बना है और हर कोई इसको लेकर तरह तरह की बातें भी कर रहा है। क्या हो गया यार? अभी एटीएम से पैसे की जरूरत थी हमको, तो एटीएम के मैंने पैसे निकाले हैं, मैंने ये निकाले हैं तो ये जो नोट नकली हुए हैं ये ऐसे है। मैंने तो पहले से देखा, तो मैंने गौर से देखा तो नकली है। अगर कोई को भी पकड़ा दिया जाए, कोई अंदर कोई भी होगा तो वो भी छू के देख के बता देगा ये जो नोट नकली हैं। अच्छा, कितने रुपये निकाले थे आप? हमने 1000 निकाले। कौन सा एटीएम है? एक्सिस बैंक। कहाँ पर? उदय चौक पर है। जहाँ से उत्तर प्रदेश पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य नेतृत्व में ही सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी महिला पुरुषों ने गैस सिलेंडर के दामों को लेकर जुलूस निकाला है और इसके साथ ही आपको बता दें कि लाइट चौराहे पर प्रदर्शन किया गया है। वहीं महिलाओं का कहना है कि रसोई गैस के दाम जो बढ़ाए गए हैं वो वापस लिए जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और जब पूर्व की सरकार में थोड़े बहुत गुणों की बढ़ोतरी हुई तो
ये लोग सड़कों पर उतर आए थे। और आज भाजपा सरकार के लोगों को ये महंगाई और बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेसियों ने जमकर महंगाई के विरुद्ध में नारेबाजी की है और पूर्ण रूप से सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेसी महिला पुरुष भी मौजूद रहे हैं। मऊरानीपुर के विकास खंड ग्राम बरुआ माफ के ग्राम नया गांव में ही मटर के खेत में गुरुवार की दोपहर में अचानक आग लग गई, जिससे खेत में तेज आग के कारण धुआं उठने लगा और सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर फायर सर्विस प्रभारी शिव बहादुर सिंह और अनिल कुमार अवस्थी बुद्ध प्रकाश ने कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया है। बता दें आपको, एक मंदिर के अंदर कुछ ऐसा जिसे कि देखकर लोग दंग रह गए। गांव के ही लोगों ने रंगे हाथों महिला और लगभग 3 लड़कों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, लेकिन इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। आपको बता दें कि यह मामला चिरगांव ब्लॉक के ही ग्राम छिरोना के एक आश्रम का है, जहां पर अंधेरे कमरे में ही 3 पुरुषों के साथ एक महिला को एक युवक ने पकड़ा और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तभी वहां पर मौजूद आश्रम में ही पुजारी की आग खुल गई। तत्काल पुलिस को कॉल करके सारी जानकारी दी गई और इसके साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला सहित 5 और लोगों को थाने ले आई। लेकिन वही महिला का कहना है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। फिर आपने कॉल किया पुलिस को? हमने पुलिस को कॉल किया और पुलिस तत्काल आई और सबको ले गई। कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई हुई। हम उससे संतुष्ट हैं। मतलब हमें ये है, यहाँ के कुछ लोग बदमाश टाइप के हैं जी, जो हमें 15 साल से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। जितना आप ये देख रहे हैं, हमने अपने पैसे से बनवाया, किसी का एक पैसा नहीं लगा है। और ना हम गांव में चंदा लेने जाते, साल के 2 भंडारे करते हैं जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जो षड्यंत्र रच करके हमें बदनाम करके हमें भगाना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। संतों से हम भागने वाले नहीं, महाराज जी ने हमारे नाम लिखा पढ़ी की है। अच्छा, कागज हम आपको दिखाते हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ बीजेपी कार्यालय पर पूर्वोत्तर राज्य में हुई जीत की खुशी मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यालय पर ही कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और ढोल नगाड़ों के साथ ही जश्न मनाया गया है। बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे हैं और बीजेपी कार्यालय पर ही जमकर आतिशबाजी और कार्यकर्ताओं द्वारा डांस किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोडवेज बस परिचालन को सुलभ शौचालय के अंदर एक लड़के के साथ अश्लील हरकतें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये वीडियो झांसी बस स्टैंड का बताया जा रहा है और वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सुलभ शौचालय के बाहर सफाई चल रही है और इसी दौरान कमरा नंबर 5 के अंदर से कुछ लोगों ने 2 युवकों को अश्लील हरकतें हुए पकड़ लिया और जिस पर उन्होंने किसी प्रकार दरवाजा खुलवाया और दोनों को बाहर निकलवाया, तो फिर उनमें से एक युवक रोडवेज बस का परिचालन निकला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर से सटे गांव रामनगर में 2 युवकों ने एक युवक को गोली मार दी है। युवक अपनी बहन के घर आया हुआ था और जब वो बहन के घर से लौट रहा था, तब बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और पता लगने पर एसएसपी विपिन और एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जाँच की। घायल को जिला अस्पताल हायर सेंटर रेफर किया गया है और उसके पेट में गोली लगी है। घटना रंजिश बताई जा रही है। थाना देहात के रामनगर चौकी क्षेत्र में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक को गोली मारी गई है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जो मजरूब है उसे अस्पताल लाया गया है। उसे पेट में गोली लगी है और हालत उसकी अभी स्थिर है।
पूछताछ में मजरूब ने बताया है कि जिस मकान में ये किराए पे रहते हैं उसी मकान में नीचे कुछ युवक भी किराए पे रहते हैं और पिछले 2-3 दिनों में इनकी कई बार कहासुनी हो चुकी उनसे। इसी बात को लेकर उन युवकों में से 2 युवकों ने इन पे आज सुबह गोली चलाई है जो कि इनको पेट में लगी है। परिजन जो तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल जो बताए गए अभियुक्त हैं वो अपने घरों से फरार हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है और शीघ्र ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने निर्देश के अनुसार पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी हरदोई द्वारा रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेसियों ने सिर पर सिलेंडर लेकर जिद पीर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया है और शहर के विरोध में जमकर नारेबाजी की है और जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह सोमवंशी के नेतृत्व में ही कांग्रेसियों ने सिलेंडर पर बढ़ी कीमतों को लेकर सिर पर सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन किया है और कर यहां पर नारेबाजी भी की गई है। आज हम सभी कांग्रेसजनों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे अध्यक्ष माननीय ब्रिजलाल खाबरी जी के निर्देश पर जो गैस में 50 रुपए दाम बढ़ाए गए वो भी होली के ठीक पहले, आप देख रहे हो जब से सरकार आई है चौतरफा महंगाई की मार है, कमर तोड़ महंगाई है और 3 गुना सिलेंडर के दाम हो गए हैं। सरकार ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार चौतरफा हो रही महंगाई की मार, कमर तोड़ महंगाई की मार है। जिले की कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया गया है। जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। गैस सिलेंडर के बढ़े दाम बेकाबू होते नजर आ रहे हैं और महंगाई त्योहार में लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। खिलाफ इसके लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा है। लगभग 1 साल से महंगाई की मार झेल रही हिंदुस्तान की जनता पर कल गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि करके एक और करारा तमाचा केंद्र की सरकार ने मारा है। पूरी दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर बेच रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम है। उम्मीद की जा रही थी कि डीजल पेट्रोल और गैस के दाम घटाए जाएंगे, घटाने के बजाय 50 रुपया बढ़ाकर और हिंदुस्तान की गरीब जनता के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। पहले उज्ज्वला के नाम पर फ्री में सिलेंडर बांटे गए, उसके बाद अब दाम इतने ऊपर है कि लकड़ी जलाने को आम आदमी मजबूर है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 24 फरवरी को एक महिला जो एक्सिस बैंक गुलरीहा में सहायक प्रबंधन के पद पर कार्यरत है वो अपना इलाज कराने सदर अस्पताल आई थी। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करना और उनका इलाज करना शुरू कर दिया और इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका 80,000 रुपए कीमत के एप्पल आईफोन की चोरी कर ली गई। महिला के भाई हिमांशु कुमार गुप्ता ने तत्काल इसकी सूचना जो है पुलिस को दी है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना करते हुए देखा गया है। बाद में पुलिस ने ही उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की और जिसके बाद अज्ञात चोर की पहचान आसिफ पुत्र स्वर्गीय अली अहमद हिमायूपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ के रूप में हुई है और प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से ही कोतवाली पुलिस ने इस मोबाइल चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली में सदर हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट महिला अपना हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी, उसी समय उसके पास में पड़े एक 80,000 रुपये की कीमत के आईफोन को एक चोर ने वहां से उठा लिया और उठाने के बाद में वो वहां से गायब हो गया। बांदा के शहर कोतवाली की यात्रा चुंगी चौकी पर ट्रकों से अवैध वसूली करते सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रक वालों से रुपए लेते सिपाही दिख रहा है। अवैध बालू भरे ओवरलोड ट्रकों से पैसे लेकर निकासी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और सिपाही के तत्काल ही प्रभाव में निलंबित भी कर दिया गया है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कार्रवाई की गई इसमें? कल सोशल मीडिया पर एक आरक्षी जो अतर्रा चुंगी पे तैनात था, वीडियो वायरल हो रहा था। तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया, सीओ सिटी द्वारा जांच की गई और जांच के आधार पर उसको तत्काल प्रभाव से आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। आगे कार्रवाई जो भी साक्ष्य आएगा उसके अनुसार की जाएगी। काशगंज सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने राजस्थान से बिहार जा रही शराब से भरी स्कॉर्पियो कार और मैक्स पिकअप लोडर और वाहन को जब्त कर लिया है। बरामद शराब की तकरीबन कीमत 6,20,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा है। पुलिस अधीक्षक काशगंज बरौंदा के निर्देशन में अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज हमारी प्रभारी अधीक्षक कोतवाली काशगंज एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने 185 पेटी अवैध मदिरा जो राजस्थान से बनाई गई है उसको बरामद करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी कुल बाजार कीमत 6,20,000 रुपये की बताई गई है। इस बरामदगी के क्रम में एक अभियुक्त सीताराम जो थाना फुलेरा जनपद जयपुर राजस्थान का बताया गया है उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त जितेंद्र यादव नाम का वो मौके का फायदा लेकर के भागने में सफल रहा है, जिसकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इनके कब्जे से एक मैक्स पिकअप गाड़ी और एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। फलों की टोकरी के नीचे इस अवैध मदिरा का इनके द्वारा परिवहन किया जा रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। At GLA University.